मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध मूलतः मध्य प्रदेश के थे और अध्यापन के लिए मतलब टीचिंग के लिए ये हिंदी साहित्य के प्रोफेसर बन के, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के तौर पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के, आज के छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आए और यहीं बस गए। गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ में फैंटेसी काव्य का जनक माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, हिंदी साहित्य में फैंटेसी काव्य का जनक माना जाता है। तो ये फैंटेसी काव्य क्या है? अंग्रेजी साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो सिगमंड फ्रॉयड करके एक राइटर है, और ये जो सिगमंड फ्रॉयड हैं ये साइको एनालिसिस पे लिखते हैं। ठीक, तो साइको एनालिसिस पर लिखने वाले कवि हैं कौन? सिगमंड फ्रॉयड। और सिगमंड फ्रॉयड मन के, अंतर मन के तीन स्तर बना करके कि हमारे, हमारा जो मस्तिष्क है ये तीन भागों में बटा रहता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक, और अनकॉन्शियस। इन तीन ब्रेन के विवाद या द्वंद्व से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। इस कंसेप्ट पर लिखने वाले थे सिगमंड फ्रॉयड। उस चीज को भारत में अगर किसी ने साहित्य में बहुत पुरजोर तरीके से उतारा, साइको एनालिसिस का वो पुटअप किया, तो वो किया था गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, जब आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो सतही तौर पे समझ में आने वाली कविताएं नहीं होती, वो बहुत ही गहरी कविताएं होती हैं। ठीक, तो साइको एनालिसिस पे लिखने वाले या अंतरमन के कवि, अंतरमन का कवि किसे कहते हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को। छत्तीसगढ़ के साहित्य में नहीं, भारत के साहित्य में इनकी रचनाएं यूपीएससी के सिलेबस में है, आपका ब्रह्म राक्षस इनका माइलस्टोन है। ठीक, तो अंतरमन का कवि, और क्योंकि ये आम कवियों से हट करके थे इसलिए इन्हें कवियों के बीच में जो है आपका नीलकंठ की संज्ञा दी गई है। तो छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि किसे कहा जाता है, या भारत का नीलकंठ कवि किसे कहा गया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा गया है। मुक्तिबोध जी की रचनाओं में अगर आप उतर के देखें तो आपको एक एंटी एलिमेंट दिखाई देता है, मतलब शासन के प्रति या सिस्टम के प्रति या इंसान का सिस्टम में एक्टिव ना होना या कुछ नहीं कर पाने का जो दर्द है वो इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसलिए इन्हें, इनकी रचनाओं को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य में साम्यवादी सोशलिस्टिक अप्रोच की कविताएं, साम्यवादी कविताएं कही गई। पुरजोर तरीके से इन्होंने कुछ विरोध को दर्शाया। बहुत बार ऐसा हुआ कि नई कविता आंदोलन जैसे कुछ आंदोलन थे जो ये लिखते थे कि भारत की आज़ादी से वो नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, तो ऐसी रचनाएं जो उस चीज़ पे हैमर करती थी वो उनकी रचनाएं थी। इसलिए इन्हें, इनकी रचनाओं को हिंदी साहित्य का फौलादी दस्तावेज भी कहा गया है। फौलादी दस्तावेज का कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को जब आप भारत का हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, भारत में यूपीएससी की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड कवियों में से एक पाएंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है वो सतह की नहीं होती थी। तो इनकी रचनाओं में जो प्रमुख रचना हम देखेंगे, एक तो है सबसे पहली ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस जो है ना केवल भारत बल्कि जहां जहां कविताओं के माध्यम से मंचन हुआ, ये वो रचना है जिसका बहुत बार मंच पे प्रयोग हुआ है, और भारत के स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कविता है। दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। तीसरी रचना अंधेरे में, अंधेरे में। चौथी रचना कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक, चौथी रचना है इनका कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना थी, उसके ऊपर जो इन्होंने लिखा कामायनी एक पुनर्विचार,
ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है जो स्वयं दिग्विजय कॉलेज आज का वहां अध्यापक के तौर पे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आए थे। तो रचनाएं हो गई सबसे मास्टरपीस ब्रह्म राक्षस, दूसरा हो गया चांद का मुंह टेढ़ा, तीसरा अंधेरे में, चौथा कामायनी एक पुनर्विचार। गजानन माधव मुक्ति बोध जैसे व्यक्ति का छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक इतिहास में होना, क्योंकि भारत के इतिहास के तौर पे अगर आप देखते हैं तो भारत में हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सबसे बड़े कुछ नामों में से एक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध को नीलकंठ कहा जाता था, फौलादी दस्तावेज का क्रिएटर कहा जाता था, साम्यवादी कवि कहा जाता था, नीलकंठ कहा जाता था। कुल मिलाकर के इनकी रचनाएं जब आप पढ़ते हैं तो ये समझने में, पढ़ने में आसान रचनाएं नहीं है, कुछ कठिन